नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट, और वो भी पर्पल कलर का फ्लावर में। दोस्तों, इसका नाम है बेलून फ्लावर और इसे प्लैटिकोडन भी कहते हैं। ये बेलून जैसा ही दिखता है दोस्तों, जब बर्ड साइज में होता है। ये देखिए, फूला हुआ रहता है और बाद में ये नेक्स्ट डे ओपन होता है। दोस्तों, इसे मैं नर्सरी से नया ही लाया हूँ और देखिए बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। और इसका प्राइस नर्सरी में 80 रुपीज़ था। और देखिए, स्टार जैसा ही फूल आ रहा है और ये सब बैलून जैसा जो दिख रहा है आपको, नेक्स्ट डे ये सब खिल जाएंगे। और ये एक सीड पॉट भी मैं ट्रायल कर रहा हूँ दोस्तों, इसका सीड से भी ये होता है। दोस्तों, ये बहुत हाइट नहीं होता है, बहुत छोटा ही प्लांट रहता है और छोटे से पॉट में लगाने पर भी चलता है। और इसका फ्लावर का शेप देखिए, स्टार जैसा ही दिखता है। कभी कभी इसमें 5 पेटल आता है और कभी कभी 4 पेटल आता है दोस्तों। लेकिन ये वायलेट मुझे बहुत अच्छा लगा पर्पल का। इसका पिंक और वाइट भी आता है, लेकिन वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है क्योंकि पर्पल फ्लावर बहुत ही कम होते हैं, तो मैं पर्पल ही लाया दोस्तों। और ये इनडायरेक्ट लाइट में ही पसंद करता है, ज़्यादा सनलाइट में इसे मत रखिएगा। मॉर्निंग का 1 घंटे का सन मिल जाए इसे तो काफ़ी है, या फिर ग्रीन नेट है तो वहाँ पे आप रखिएगा। ये दोस्तों देखिए, नेक्स्ट डे वो जो बैलून शेप में था, बर्ड सब खिल गए हैं। और दोस्तों, इसे फर्टिलाइज़र भी NPK 19-19-19 देना चाहिए। बैलेंस फर्टिलाइज़र है, डाइल्यूट करके लाइट डोज में हर 20 दिन में इसे देना चाहिए। तो ये बर्ड्स तो बहुत सारे हैं दोस्तों, रेगुलर फ्लावरिंग करेगा। और आप भी वही सीजनल सब लगा के अगर बोर हो चुके हैं तो ऐसा कुछ नया फ्लावर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। लेकिन ये हर नर्सरी में मिलता नहीं है, तो इसका सीड भी मिलता है दोस्तों, ऑनलाइन आप ट्राई कर सकते हैं। seedsandpots.com में इसका सीड भी मिलता है। तो रेडी मिल जाए तो आपको बेहतर है, क्योंकि सीड से जर्मिनेट होगा नहीं होगा बहुत दिक्कत वाला बात है। तो दोस्तों, ये था बैलून फ्लावर के ऊपर मेरा एक छोटा सा वीडियो। फिर जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।